ये कह रही है कि 85% लोगों की मान सम्मान और मर्यादा के लिए एक मंच पे आने की आवश्यकता पूरे देश में हुई है, ये मुझे महसूस हुआ। मैं बहुत कार्यक्रमों में गया, मैं जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, भारत की संविधान को छूने में हिम्मत के साथ चलने वाले सवर्णों से सावधानी से आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो 15 साल में ये भारत को बर्बाद कर देगा, भारत को बचाएंगे नहीं, बर्बाद कर देंगे। और भारत को आप ही 85% बचा सकते हैं, तो आपके कामने बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। महापुरुषों को महान जो कार्य है उनको सम्मान के साथ बचाने का काम आपका है। नेपाल में अभी तक कुछ नहीं, माननीय सरल यादव जी है, मैं पार्लियामेंट में जब स्ट्राइक करता था तो साहब कहते थे कि विजेंद्र जी संविधान को बनने दो, चार चीज पा रही है, भागीदारी नहीं आएगी ना तो लड़ाई लड़ा जाए। कई बार मुझे बताया मैं भारत से बहुत नजदीक रहा हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आपके जुबान जो आज खुल रही है और एक दूसरे से सम्मान के साथ मिलने का जो मिशन चल रहा है, इसमें मैं बहुत खुश हूं। नेपाल के धरती से जो सहयोग करना होगा बहुजन समाज के लिए 85% के लिए, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। बाबा साहब के दिए हुए जो चीज है संविधान, उसको संघर्ष के द्वारा संरक्षण करें, और जो बाकी लेना है उसके लिए ईमान और जुबान के साथ आगे बढ़े। बुद्ध की देह आपके साथ है, ये भगवान वाले से सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए। देखिए एक सवाल है, मंचों में जाने वाले हमारे जो नेता है, लीडर है, वो दूसरे को नई पीढ़ियों को स्वीकार नहीं करते, ये समस्या है। इसको सावधानी पूर्वक अब नए नीतियों के नेतृत्व के पक्ष में देश को तमाम नौजवानों को जोड़ के आगे बढ़ाने का समय है, ये विद्वानों को आगे बढ़ने का समय है, ये नौजवानों को, महिलाओं को, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का समय है, ये इसमें ये होकर आगे बढ़िए। और हमारे जो भूपेश बघेल साहब हैं, ऐसे अभी के राजनेता के रूप में स्थापित हुए हमारे समाज के नेतृत्व को सम्मान के साथ पूरे देश से इनके विचार को आगे बढ़ाने का काम करें, ये मेरा निवेदन है नेपाली की तरफ से। नेपाल में एक नए कार्यक्रम होने जा रहा है, मार्च के 27, 28, 29 को डॉक्टर अम्बेडकर खुले तमाम भारत के महापुरुषों के और संसार के महापुरुषों के और नेपाल के बुद्ध के बारे में, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और क्लासिकल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बहुत बड़ी चर्चा होगी। उस चर्चा में आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आदरणीय हमारे शरद जी भी, हमारे उदित राज जी भी, हमारे गौतम जी लगाए आप लोग सभी आमंत्रित हैं। मैं उन आमंत्रण करना चाहता हूं और यहां से आप सभी को उसमें आना है, और वो प्रोग्राम मार्च के 27, 28, 29 को काठमांडू में होने जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि नेपाल के संविधान में कुछ नहीं है, चार सिदारी है, उसको बचाना है। फिर यहां से मोदी जी का नाम तो चर्चा में आता है, लेकिन मोदी जी करेंगे ना करेंगे वो हमको कारण नहीं है, लेकिन आरएसएस फिर दोबारा नेपाल को राजतंत्र लाना चाहता है, चाहे हमारी सरकार जाए, हम राजतंत्र नेपाल में आने नहीं देंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे, नेपाल भी नहीं मिलेगा, भारत भी नहीं। इस लड़ाई में हमारा जो ताकत है हमें कुर्बानी दे रही हो तो हम देने के लिए तैयार। ये वहां के आपके जो ओबीसी हैं, एसटी हैं, एसटी हैं और आदिवासी महिलाएं, वहां पर आप लोगों की मदद करना होगा। आप देख रहे हैं कि भारत की मीडिया आपके पास नहीं है, नेपाल में तो है ही नहीं, जितना भी है वो 100 में 100 ब्राह्मण का कब्जा है, राजा के हाथ से सत्ता ब्राह्मण के हाथ में गया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये अवस्था है, आपके हाथ में तो कुछ ना कुछ है, तो देख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, सम्मान तो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पैसे भी तो पा रहे हैं, तो ये लड़ाई आपको लड़ना होगा। ये संघर्ष समिति है, मैं इस संघर्ष समिति को ये कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में इस अभियान को चला दीजिए, जन जन तक पहुंचाइए, हर बच्चों तक, जो 10 वर्ष के बच्चे हैं उनके मन मस्तिष्क
85 का भागीदारी का जो है मिशन आप उन्हें भर दीजिए, ये काम करने का काम आप लोग करिए, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।